जैसा कि आप जानते हैं, पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा था, करीब 250 भारत यात्री थे, मुख्य यात्री राहुल गांधी जी थे और करीब 145 दिन तक ये भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण के रूप में हमारे देश की राजनीति में उभर कर आए। उसी को आगे बढ़ाकर राहुल जी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ से आप मान सकते हैं कि पहला कदम भारत जोड़ो यात्रा था और दूसरा कदम भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैंने पहले भी कहा है पर फिर से दोहराऊंगा क्योंकि ये महत्व है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों हमने सोचा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में विचार आया कि क्यों हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें। आप लोग सब जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चार मुख्य स्तंभ हैं। देयर आर फोर पिलर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल, द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ विच वाज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। द फर्स्ट इज जस्टिस, द सेकेंड इज लिबर्टी, द थर्ड इज इक्वालिटी, द फोर्थ इज फ्रेटर्निटी। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता हमारे संविधान के प्रस्तावना के मुख्य स्तंभ हैं। इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। आजकल प्रधानमंत्री अमृतकाल के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं हमारे देश को और देशवासियों को, पर हकीकत क्या है? हकीकत है पिछले 10 साल अन्यायकाल, इसका नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको हमारे इतिहास से मिटाना चाहते हैं, जनता को भुलाना चाहते हैं कि पिछले 10 साल अन्यायकाल निकला। अन्यायकाल का कोई जिक्र नहीं पर अमृतकाल की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर पिछले 10 साल में जो अन्याय हुए हैं, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय और राजनीतिक अन्याय जो हुआ है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शुरुआत में ही लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और हिंदी में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर न्याय असंभव है, अगर न्याय की गारंटी नहीं है हमारे नागरिकों को, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल इज न्याय, एंड दैट इज व्हाई द भारत जोड़ो न्याय यात्रा इज बीइंग नाउ टेकन आउट 6,200 किलोमीटर्स, अबाउट 66 डेज। वी आर स्टार्टिंग टुमारो एंड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज और 11 डेज वी विल बी
in the northeast part of our country, Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, back to Assam, Meghalaya, and then we enter the other states. And for the next 11 days, agar 11 dino ke liye, hum uttar purvi Bharat ke 5 rajyon mein ye Bharat jodo nyaya yatra Rahul ji ke netritv mein hogi. Bharat jodo nyaya yatra ke samay agle 2 mahine mein राहुल जी अलग अलग नागरिक संस्थाओं से मिलेंगे, अलग अलग जगहों में पब्लिक मीटिंग होगी और वो स्पष्ट करेंगे कि जब हम अन्याय की बात करते हैं, एक तो आलोचना करना एक बात है, हकीकत दिखाना एक बात है, पर हमारे पास क्या सुझाव है, कांग्रेस पार्टी के मन में क्या है नागरिकों को न्याय पहुंचाने के लिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसके बारे में राहुल जी बोलते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और ये संदेश फैलाएंगे. ये एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा है. राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ये वैचारिक यात्रा है, आइडियोलॉजिकल यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है, इलेक्टोरल यात्रा नहीं. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24.